भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना बच्चों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 24 क्वेश्चन बैंक, और हम बात कर रहे हैं इस बुक के बारे में। और अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आज ही देखें स्पीडी रेलवे जीके के प्लेलिस्ट को। और फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और अपने फ्रेंड तक मैक्सिमम फेसबुक, व्हाट्सअप या फिर जो भी आप नेटवर्किंग साइट यूज़ करते हैं उसके माध्यम से आप इसको वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अपने इस वीडियो में। पहला जो हमारा पेज जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है 56। ओपन कर लीजिए अपनी इस बुक में पेज नंबर 56। पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका लिग्नाइट। क्या है लिग्नाइट? एक्चुअली एक प्रकार का कोयला होता है। और राजा राम मोहन राय को सुभाष चंद्र बोस ने युग दूत कहा था। अमीर खुसरो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। उसके बाद हम बात करते हैं कि मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, वो किस नाम से प्रचलित थी, जानी जाती थी, फेमस थी, तो वो थी आपके पर्ण। और सौर मंडल का अत्यधिक जो गर्म ग्रह होता है वो होता है शुक्र। क्या? शुक्र। इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, पृथ्वी की बहन, कई नाम से इसको जाना जाता है। तो ये काफी जो ग्रह है काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं दस समानांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। अष्टभुजाकार प्रिज्म में 10 सतह होती हैं, और खून का महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? वो होता है आपका प्लेटलेट्स। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होती है। और याचिका जैसे कि परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। चीन की ग्रेट वॉल जिसको बोलते हैं महान दीवार का निर्माण किसने कराया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका सिंह हुआंग टी। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह है आपका स्पुतनिक, स्पुतनिक फर्स्ट। भूमध्य सागर जॉर्डन और इसराइल के बीच में है। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बुक में हाईलाइट करना है, देखिए बुक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको केवल मैं उतने पॉइंट हाईलाइट करवा रहा हूँ जिससे कि आपकी कम से कम तैयारी इतनी तो हो जाए कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। तो इसलिए अगर आप सारा पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसको वीडियो को देखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर आपने बुक काफ़ी टाइम से पढ़ी है, आप ये कन्फ्यूज हैं कि मुझे कितना पढ़ना है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप उस बुक में से इतना तो कम से कम पढ़ के जाना एग्जाम में जाने से पहले। दिसंबर 2004 में सुनामी हादसे से सबसे प्रभावित देश कौन सा था? वो था आपका इंडोनेशिया। द्वितीय सेल को संग्राहक सेल भी कहते हैं। आगे हम बात करते हैं आर्मेचर का। कंप्यूटर एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। और अंजू बॉबी जॉर्जी लंबी कूद से संबंधित है। भारत एवं बांग्लादेश ने चटकाव एवं अगरतला के बीच बस चलाने का निर्माण लिया। पीतल बनाने के लिए तांबे में जस्ता मिलाया जाता है। और बांदा पहाड़ उड़ीसा में कोरपुट जिले में है। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। वाशिंग सोडा का सही सूत्र क्या है? Na2CO3। दो मुगल शासक बाबर और जहांगीर थे जिसने अपना जीवन चरित्र स्वयं लिखा। विश्व में चीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? चीनी का बोल रहा है, शुगर का बोल रहा है, तो वो है आपका क्या? ब्राजील। उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डेज को लेकर के। हर एक वीडियो में मैं काफ़ी डेज डेज कहता भी हूँ, और काफ़ी सारे मुझे कमेंट्स आते भी हैं, सर डेज के लिए एक डेडिकेटेड सेपरेट एक वीडियो बनाइए। तो वीडियो बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस बुक में पहले से ही डेज का एक चैप्टर दे रखा है। तो ये है आपका पेज नंबर 56। तो इसमें हम बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, और विश्व युवा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। दोनों में फर्क है, बट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल एक ही पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, वो रहेगा आपका राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। लेकिन विश्व युवा दिवस उसके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जीएस पेपर 1 में ये क्वेश्चन सबसे पूछ सकता है। तो इसलिए आपको अपनी बुक में ये भी हाईलाइट करना है। शहीद दिवस मनाया जाता है आपका 30 जनवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। बात करते हैं विश्व पृथ्वी दिवस के बारे में, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व पर्यावरण दिवस आपका होता है आपका 5 जून को। जनसंख्या दिवस होता है आपका 11 जुलाई को। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। जल दिवस 22 मार्च को। और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया जाता है आपका 21 जून को।
हिंदी दिवस 14 सितंबर को, जल संरक्षण दिवस 19 नवंबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को और थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। बढ़ते हैं हम लोग अगले पेज की ओर, पेज नंबर 57। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ब्राइटनेस की आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए मैंने आपको ब्राइटनेस यहाँ पे जो है थोड़ी सी ये प्रिंटिंग साफ नहीं आ रही है, तो मैंने ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर रखा है आपको, इसलिए इस वीडियो में थोड़ी सी ब्लैक शेड दिखाई दे रही होगी। तो अगर मैं डायरेक्ट आपको व्हाइट स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ, वीडियो को पब्लिश करता हूँ मैं आपके लिए, तो विजिबल नहीं हो पाएगा आपको कुछ भी वीडियो में, तो इसलिए थोड़ा सा मैनेज प्लीज आप लोग कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की ओर कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। ये है आपका क्या, ये है आपका वेम्बानाड रेल पुल। कहाँ पर है ये? आपका कोची केरल में। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान कैम्बोल लैम जाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है। क्राई के फुल फॉर्म क्या है? चाइल्ड लीफ एंड यू। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को और लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन के लेखक हैं अरविंद घोष। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश का निर्वात में चलने का कारण उसका विद्युत क्षेत्र होता है। प्रकाश का दो अलग स्वरूप होता है, परावर्तन तथा अपवर्तन। पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत में तंबाकू की खेती शुरू करी थी। अदीना मस्जिद बंगाल में है। क्वार्ट्स का रासायनिक नाम है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड। चोल राजा राजा राज 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 फर्स्ट ने श्रीलंका पर कब्जा किया था। चेचक रोग क्या है? विषाणु के द्वारा होता है। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का परिवर्तन अकबर द्वारा किया गया। ये है स्क्रीन थोड़ी सी फैड, फिर भी मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। कुछ चीज़ तो आपको इसमें से जरूर याद होगी। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 288 फीट है। और भारत में विद्युत रेल का संचालन हुआ था 1925 में। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आ जाती है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कथन था बाल गंगाधर तिलक का। और विटामिन ए जो यकृत में क्या होता है? इकट्ठा होता है, संचित होता है। ब्रिटिश संसद के पहले भारतीय सदस्य दादा भाई नरोजी हैं। और भारत हेतु संवैधानिक सुधारों से संबंधित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट 1919 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी और 15वीं शताब्दी के अंत मतलब 1498 में वास्को डिगामा भारत में कालीकट पर उतरा था। ओबरा थर्मल पावर स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। और CRISIL क्राइसिल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और उसके बाद हम बात करते हैं सेंटर में कुछ एक्चुअली स्टैंडर्ड जी के दी गई है। इस पे बताया गया है कि नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर आगरा और दिल्ली बसी है यमुना नदी के किनारे। सूरत ताप्ती में, उज्जैन शिप्रा, अहमदाबाद साबरमती, नासिक गोदावरी। लंदन है आपका टेम्स नदी के किनारे। और उसके बाद हम बात करते हैं पेरिस के बारे में, तो पेरिस है सीन नदी के किनारे। टोक्यो है आपका किसके किनारे? अराकाबा नदी के किनारे। फिर हम बात करते हैं लोक नृत्य के बारे में कि कौन सा लोक नृत्य कौन से राज्य से संबंध रखता है। बिहू, बछुआ, सत्रिया। तो ये जो लोक नृत्य हैं ये तीनों के तीनों संबंध रखते हैं असम से। घूमर, कठपुतली, पनिहारी राजस्थान से। मोहिनीअट्टम, थुलाल, पदायुनी ये हैं आपके केरल से। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनके संबंध स्थल। शांति निकेतन ये है आपका रविन्द्रनाथ टैगोर का एक स्थल। तलवंडी गुरु नानक, बारदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेरूसलम ईसा मसीह, सेंट हेलेना नेपोलियन बोनापार्ट। पेज नंबर 58। मेरा संघर्ष ये जो बुक है ये किसने लिखी है? ये लिखी है हिटलर ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। दर्पण में सिल्वर नाइट्रेट की परत होती है और द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन एवं ब्यूटेन का मिश्रण होता है। भरत स्नानगर मोहनजोदड़ो में अवस्थित है। अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो ये है आपका मौलिक कर्तव्य से। लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी जाती है। और बुद्ध शक्य कुल के थे। जल में अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट का घुले रहना। गन मेटल तांबा टीन और जस्ता का क्या होता है? ये होता है मिक्सचर।
अम्ल गम में HG रहता है। पिंपरी पेंसिलिन उद्योग से संबंधित है। अस्पृश्यता का अंत कौन सा अनुच्छेद में ये दिया गया है? ये दिया गया आपका 17वें अनुच्छेद में। गांधी जी ने रौलट एक्ट कानून को काला कानून कहा था। और गन धातु में CuSnZn होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल। द स्ट्रगल इज माई लाइफ, नेल्सन मंडेला। एंड बच्चा मनुष्य का पिता होता है, विलियम वर्ड्स वर्थ की कृति है। हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर बर्फ जमने में जिलेटिन, बर्फ को पिघलने में रोकने के लिए मिलाया जाता है। पानी से बर्फ बनाना भौतिक परिवर्तन है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। बौद्ध और जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में किए गए थे। दूध से क्रीम निकालने में अब केंद्रीय बल लगाया जाता है। फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। भारत का बगीचा बेंगलोर को कहा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण किडनी या फिर वृक्क करती है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के अंतर्गत दिया गया। और ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूस में है। करगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। यूएनओ का कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। वायुमंडल में व्यापक आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं करगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। यूएनओ का कार्यकारी भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। देखिए दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको थोड़ा ज्यादा फोर्स कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं वायुमंडल में व्यापक आर्द्रता का मापन क्या होता है? हाइग्रोमीटर होता है। उच्च रक्तचाप का कारण होता है मानसिक तनाव। भारतीय दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। और सुप्रसिद्ध मयूर सिंहासन शाहजहां ने बनवाया था। मैं राज्य हूँ ये शब्द लुई चौदहवा के थे। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे उपनाम और उनके नाम। देखिए महात्मा गांधी का एक अन्य नाम भी था, वो है आपका नंगा फकीर। ये कहा था चर्चिल ने इनको। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। देश बंधु चितरंजन दास। भारत का नेपोलियन बोला जाता है समुद्रगुप्त को। और ग्रैंड ओल्ड मैन ये बोला जाता है दादा भाई नरोजी को। श्रीमान गांधी गान ये खान बहादुर ये खान अब्दुल गफ्फार खान है। उसके बाद में भारत का शेक्सपियर कालिदास। भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन। गुरुदेव रविन्द्र टैगोर। शहीद आजम सरदार भगत सिंह। लेडी विद लैम्प फ्लोरेंस नाइटेंगल। अब हम बात करते हैं आविष्कारक, कौन सा आविष्कार किसने कराया, उन वैज्ञानिकों के नाम। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जे जे थॉम्सन ने, प्रोटॉन की खोज करी है गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज करी है जेम्स चैडविक ने, नाभिक की खोज करी है रदरफोर्ड ने, डायनेमो की खोज करी है माइकल फैराडे ने, परमाणु सिद्धांत जॉन डॉल्टन, रेडियो सक्रियता हेनरी बेकवेरल, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी, डायनामाइट की खोज करी है एल्फ्रेड नोबल ने, बैरोमीटर टॉरिसेली, रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन, ग्रामोफोन एडिसन, दूरबीन गैलीलियो, एक्स किरण रोंटेजन। तो यहाँ पे आपको ये सभी नाम अगर आपने नोट नहीं करे हैं, आपको याद नहीं है, तो अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इस बुक में से आप अलग से नोट्स बना सकते हैं, अगर आपके पास में बुक नहीं है ये वाली, तो वीडियो को पॉज करते करते नोट्स बनाइए, ज़्यादा अच्छा है। या फिर इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद में एक बार इस वीडियो को और वॉच करना, कम से कम 2 बार अगर आप वीडियो वॉच करते हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। ये पेज नंबर 59। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से एसिटिलिन गैस उत्पन्न होती है। खिलाफत आंदोलन का आरंभ अली बंधु ने किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया। चंद्रगुप्त मौर्य जैन भिक्षु बनकर जीवन के अंतिम दिनों को श्रवण बेलगोला में बताया गया है। इन्होंने यहाँ पे क्या करा बिताया, ये इनका स्थान था। फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। यदि कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसका तरंग धैर्य क्या होगा, घट जाएगा। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त तार नाइक्रोम का बना होता है। और ग्रीक राजदूत मैगसिनिस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रुका था।
सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम क्या होता है? उसको बोलते हैं कोरोना। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प की नीति को लॉर्ड डलहौजी ने आरंभ किया था। पुलकेसिन चालुक्य राजवंश का था और राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ पर है? खड़कवासला में। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? NaHCO3। और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये पुस्तक के राइटर कौन है? तो ये हैं आपके महात्मा गांधी। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से विख्यात था। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? ये होता है 6 वर्ष। उसके बाद हम बात करते हैं दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा जल सोखती है, और बात करते हैं काली मिट्टी में मैक्सिमम उत्पादन होता है कपास का, और कपास सबसे अधिक कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र में। यहाँ पे याद रखना क्योंकि वहां से क्वेश्चन काली मिट्टी का भी बन जाता है, तो इसको भी साइड में आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं पिग्मी जनजाति के लोग कांगो नदी बेसिन में पाए जाते हैं, और भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार पंडित रविशंकर थे। 20,000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि तरंग अल्ट्रासोनिक कहलाती है। दक्षिण भारत के दक्कन पठार का क्षेत्रफल औसतन समुद्र तल से 2,000 मीटर से अधिक होता है, और व्यापारिक वैसलीन पेट्रोलियम से निकाला जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यह है आपका मुंबई। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के चुने गए सदस्यों द्वारा होता है। भारत में रुपये का सिक्का सबसे पहले शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था, और हमारा राष्ट्रीय गान जो है सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई को मनाया जाता है। भारत कच्चा पेट्रोलियम के आयात पर सर्वाधिक खर्च करता है। सबसे ज्यादा जो भारत का जो खर्चा होता है ना, वो होता है आपका कच्चा पेट्रोलियम जो भारत अन्य देशों से मंगवाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए प्रमुख देशों के सरकारी दस्तावेज। व्हाइट पेपर जो दस्तावेज है कौन से देश से संबंध रखता है, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है, तो वो है आपका भारत और ब्रिटेन। येलो बुक फ्रांस। अब हम बात करते हैं आतंकवादी उग्रवादी संगठन अलकायदा अफगानिस्तान, नेशनल लिबरेशन पार्टी कोलंबिया, रेड आर्मी गुट इटली। भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम। दक्षिण भारत में से ये संबंध है, इसका मतलब दक्षिण भारत में भरतनाट्यम नृत्य ज्यादा फेमस है, और इससे संबंधित व्यक्ति हैं बहुत ही फेमस, वो है आपके यामिनी कृष्णमूर्ति। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध कौन से नृत्य से है, तो वहां पे आपके सामने 4 ऑप्शन देता है, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी, इस टाइप कुछ आपको देगा, तो आपको याद रखना है ये लिस्ट। कथक उत्तर प्रदेश, बिरजू महाराज, कथकली केरल, कृष्णय्यर, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यामिनी कृष्णमूर्ति, मोहिनीअट्टम केरल, हेमा मालिनी। चक्रवात एवं उनसे संबंधित स्थान। हरिकेन जो चक्रवात है कौन से महासागर से संबंध रखता है, तो यह है आपका कैरेबियन द्वीप समूह से। टाइफून दक्षिण चीन सागर, टॉर्नेडो यह है आपका तटीय अमेरिका। अब देखिए ऊर्जा रूपांतरित करने वाले उपकरण डायनेमो यंत्र में उपकरण में कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन होता है, एग्जाम में आपसे ये पूछता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है आपका डायनेमो, सॉरी लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। बात करते हैं पेज नंबर 60। रेयान लकड़ी के पलक से बनता है। बिरजू महाराज कथक नृत्य कला के प्रख्यात दूत हैं, और महानगरों में दिखाई देने वाला धुआं मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषित तत्व से होता है। और उसके बाद हम बात करते हैं मल्लिका साराभाई नृत्य ज्ञान के रूप में प्रख्यात हैं। शुक्र जो ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, संध्या का तारा, भोर का तारा बोला जाता है शुक्र को। उसके बाद हम बात करते हैं नपाम एक अति ज्वलनशील द्रव्य है जिसका उपयोग युद्ध में किया जाता है। पानी की कब मलिनता का पता बेलिस टर
बीडी मीटर से लगाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। ये सब आपने लिस्ट पढ़ी थी ना लुसेंट बुक में, देखिए ये सभी क्वेश्चंस आपको लुसेंट बुक में मिल जाएंगे, बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपने वो बुक अब तक नहीं पढ़ी है तो प्लीज उसको जरूर पढ़ लेना, या तो सेल्फ स्टडी कर लो या तो उस पूरी बुक के कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। ये बात मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो पहली बार इस वीडियो पे क्लिक कर रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे मेहमान हैं, तो प्लीज आप चाहें तो देख सकते हैं वरना सेल्फ स्टडी कर लीजिए। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी और डांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम को विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने संगीतबद्ध किया था। ईरान के पार्लियामेंट मजलिस के नाम से जानी जाती है। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है और अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र विषय में कल्याण क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। कथकली नृत्य केरल से है और सर्वाधिक जो कच्ची सड़कें हैं वो हैं आपकी उड़ीसा में। प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने खोजा था। केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है। सबसे ज्यादा मसाला कहाँ मिलता है, वो मिलता है केरल में। बात करी जाए दालों की, दाल मिलती है मैक्सिमम मध्य प्रदेश में, और मैक्सिमम वन कहाँ पर है, वो है आपके मध्य प्रदेश में। डेसिबल ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। ताजमहल यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आयरन मंडल ने बेतार के तार संचार प्रणाली को संभव बनाया। बास्केटबॉल के प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं और भारत में मुसलमानों के लिए अलग राज्य पाकिस्तान की मांग मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में की थी। स्काउट गाइड की स्थापना 1908 में हुई थी। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे खेल परिसर। टेनिस जो खेल है जिसपे खेला जाता है उसको बोलते हैं कोर्ट। बेसबॉल डायमंड, मुक्केबाजी रिंग, वॉलीबॉल कोर्ट, गोल्फ कोर्स, टेबल टेनिस बोर्ड, क्रिकेट जिस पे खेला जाता है वो होती है आपकी पिच या फिर फील्ड बोलते हैं उसको, पोलो फील्ड, बैडमिंटन कोर्ट, निशानेबाज रेंज। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वोच्च सम्मान। भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है भारत रत्न, और यूके का सर्वोच्च सम्मान जो होता है वो होता है मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान होता है आपका लेजेंड ऑफ ऑनर। उसके बाद हम बात करते हैं मानचित्र पर अंकित कल्पित रेखाएं। समान वायुमंडलीय दाब आइसोबार, समान सागरीय गहराई आइसोबार, समान लवणता वाले को मिलाने वाली जो काल्पनिक जो रेखाएं होती हैं, जहां पे समान लवणता पाई जाती है, एक रेखा यहाँ खींची एक रेखा यहाँ खींची, दो स्थानों को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है आपकी आइसो हेलाइन। समान वर्षा आइसो हाइट्स, समान समुद्री सतह से ऊंचाई कंटूर रेखा, समान ताप आइसो थर्म। फिर हम बात करते हैं आपसे भारत में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री। मेगस्थनीस भारत में किसके शासनकाल के दौरान आया था, तो ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के, और किस वर्ष आया था 305। उसके बाद अगला है आपका डाइमिक्स 298, बिंदुसार फयान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 399, ह्वेनसांग 630, हर्षवर्धन, मार्को बोलो 1288, कायल पांड्या, इबन बतूता मोरक्को 1333, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अब इसमें ना आपको है तो सभी इम्पोर्टेंट, आप केवल बस ये मैगेस्थनीज याद कर लेना, फयान याद कर लेना, हेनसांग याद करना और इब्न बतूता बस। डाइमैक्स छोड़ सकते हैं, मार्को बोलो ये दो स्किप कर सकते हैं, बाकी आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। इन सबको नोट्स कर लीजिए तैयार अपने इसके। और फ्रेंड्स इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड तक इस वीडियो को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि देखिए वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ, बस औरों तक पहुँचाने का जो काम है वो आप कर लीजिए, चाहे फेसबुक के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसे भी आपको सुटेबल लगता है वैसे करिए, लेकिन करना जरूर प्लीज़, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुँचना चाहिए सच में जिसको इनकी आवश्यकता है। मैं जानता हूँ काफ़ी सारे एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर बुक का कोई सोर्स नहीं है,
बुक की ना तो वहाँ पे मार्केट है, ना ही वो बच्चा ऑनलाइन बुक परचेज कर सकते हैं, ना ही उनके पास इतने संसाधन हैं, ना ही तो वो फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग है कि जाकर के महंगी महंगी बुक को परचेज कर सके। बस यार थोड़ी सी बस हेल्प उन बच्चों की इतना कर दीजिए, शेयर पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि यूट्यूब चैनल पर उन बच्चों को ये वीडियो आसानी से मिल सके। प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।